एहतराम करेंगे। बताइए बताइए, तो अपनी शनाख्त बनाओ, क्रिएट करो अपनी आइडेंटिटी। नौजवानों सबसे पहला काम ये, अपनी चाल ढाल, चेहरा, बाल, उठना बैठना, चलना फिरना, अखलाक, मामला, लेन देन, गाड़ी चलाने से पता चले ये मुस्लिम नौजवान जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम नौजवान जब जाता है वो पीछे से अननेसरी हॉर्न मार के किसी को छेड़ता नहीं और तकलीफ नहीं पहुँचाता है, और रास्ता देने पर आगे जाता है, ओवरटेक करता है तो इशारा करता है, टर्न लेता है तो बताता है, उसके एटिकेट्स बताते हैं कि चलाने वाला किस सलाहियत का हमें मिले। होता है ना, आप गाड़ी चलाते हो समझ जाते हैं कि मर्द चला रहा है औरत चला रही है, जो लोग ड्राइवर हैं उनको मालूम है, सामने गाड़ी जरा यूं हुई तो बोलते औरत चला रही शायद, गाड़ी की चाल बताती है ड्राइवर कौन है बैठने वाला। सहाबा ऐसे ही लोग थे, इनके मामला बताते थे ये कौन लोग है, इनके हालात बताते थे ये कौन लोग है, ये खाते पीते तो लोग समझ जाते हैं ये लोग कौन है, ये उठते बैठते लोग बोलते हाँ ये मुसलमान है, मोहम्मद अरबी भी ईमान लाने वाले लोग हैं, एक नबी आया अरब में उनके मानने वाले, यही इनके अखलाक रहते भाई, हमने तो इनको यही करते हुए देखा। एक सहाबी है वो अब तिजारत कर रहे हैं, शाम के वक्त यहूदी के एक सामने दुकान है, एक कस्टमर सहाबी की दुकान पे आता है, फिर यहूदी की दुकान पे जाके वो चीज़ खरीदता है, यहूदी सवाल करता है तुम पहले वो सहाबी की दुकान पे गए थे, उसके पास वो प्रोडक्ट था, वो चीज़ थी, फिर तुम मेरे पास क्यों आए बताओ। तो यहूदी कहता है मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आज दिन भर से उस यहूदी मेरे भाई के पास कोई ख़रीदार नहीं आया है, तुम वहाँ जाके ले लो आज कम अज़ कम उसका बिजनेस तो हो जाए आज का। तो इतना मुतासिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। तो मामलात बताते भैया तुम कौन हो, तुम्हारी चाल बताती है तुम कौन हो, तुम्हारा